कैसे मिटाए हो, पूरा लाइन दिख ही रहा है। क्यों यार, बंद करो ना। क्यों क्या गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर। गुड कहाँ मॉर्निंग तक पढ़ सर। चुके हम लोग बताओ। पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, पाइवट टेबल देखे थे क्या, या फिर लुकअप देख रहे थे? हाँ, ठीक है, एच लुकअप हो गया था। लुकअप हो गया था, और वी लुकअप, एच लुकअप और लुकअप तीनों हो गया था। तो कहाँ से शुरू करें बताओ, लुकअप से शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ देखो, लुकअप कहने का मतलब क्या हो रहा है, लुकअप कहने का मतलब किसी वैल्यू को हम लोग उस शीट पे लुकअप करते हैं, मतलब एक तरह से उसको लोकेट करते हैं, ठीक है। तो लोकेट किस वैल्यू को करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा वैल्यू हमको रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। अगर मान लो तुम सिंपल कोई एक टेबल लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल में तुम लोगों को मार्कशीट बताया था ना, मार्कशीट लो, सबका रोल नंबर या नेम लिखा गया है और सब्जेक्ट वाइज नंबर है, और फिर एक फाइनल कॉलम होगा टोटल का, ठीक है। हम कैसे लुकअप करेंगे, जैसे मान लो मेरे पास पूरा एक लिस्ट है, और एक लिस्ट में कोई बोले कि सर मेरा नाम प्रत्यय प्रकाश है, और मेरा नाम, मेरा टोटल कितना बताइए, तो हम प्रत्यय प्रकाश कहाँ खोजेंगे, लेफ्ट कॉलम में खोजेंगे, जहां हमको वो वैल्यू मिलेगा प्रत्यय प्रकाश, तो उसके करस्पॉन्डिंग उस कॉलम में देखेंगे तो टोटल मिल जाएगा, यही ना। कितना वैल्यू चाहिए हमको, पहला वैल्यू तो चाहिए प्रत्यय प्रकाश, मतलब लुकअप वैल्यू चाहिए। लुकअप वैल्यू के बाद हमको वो कॉलम चाहिए, वो पूरा का पूरा टेबल चाहिए जहां से हमको वैल्यू सर्च करना है, पूरा कॉलम मतलब नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज, पूरा का पूरा सेलेक्ट करेंगे, जिसमें से हमको वो टोटल मार्क्स चाहिए, और उस पूरे सिलेक्शन में से टोटल किस कॉलम नंबर में है, इंडेक्स, इंडेक्स नंबर, ठीक है। सिर्फ टोटल कहने से तो नहीं होगा, हमको बताना पड़ेगा कि टोटल जो आ रहा है वो फिफ्थ नंबर कॉलम में है या सिक्स नंबर कॉलम में है, तो हम कॉलम नंबर भी देंगे जिसमें लुकअप करना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग जो लुकअप वैल्यू हमको सिक्स नंबर में वो वैल्यू सर्च करना है। अगर इतना तुम कर पा रहे हो तो हमको वो लुकअप मिल जाएगा, ठीक है। तो लुकअप कितने तरह से कर सकते हैं, एक तो कर सकते हैं कि हम पहला कॉलम का वैल्यू लुकअप कराएं और किसी और कॉलम में से हम डेटा प्राप्त करें, पहला तो ये हो गया कॉलम वाइज। एक और हो सकता है कि हम एक रो का वैल्यू लुकअप कराएं और किसी और रो से हम डेटा, उसका रिजल्ट पिक करें, तो कॉलम वाइज भी होगा और रो वाइज भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो, तो वहीं पे हम बात करते हैं एच लुकअप एंड वी लुकअप, हॉरिजॉन्टल लुकअप एंड वर्टिकल लुकअप, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे लुकअप वैल्यू जिसको लुकअप करना है, जिसको खोजना है, जो मेरा रेफरेंस वैल्यू है, और ये पूरा का पूरा
टेबल है, शुरू से लेकर अंत तक पूरा सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, और रो इंडेक्स है किस रो में हमको देखना है वो, और यहाँ पे एक और वैल्यू है ट्रू और फॉल्स हम लास्ट में लगाते हैं। इसको देखो रेंज लुकअप, रेंज लुकअप में दो तरीका है, एक तो है कि हम जो वैल्यू लुकअप कर रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको एग्जैक्ट मैच न मिला, अगर एग्जैक्ट मैच नहीं मिला तो उसके निकटवर्ती उसके अप्रॉक्स में अप्रॉक्सीमेट जो मैच होगा वही रिटर्न कर देगा हमको, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट रिटर्न करने का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो हम कोई वैल्यू 75 खोज रहे हैं और 75 नहीं है, तो उस लुकअप वैल्यू से नीचे लेस देन 75 जो पहला वैल्यू होगा वही हमको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई एग्जैक्ट मैच नहीं ना हुआ, हम खोज रहे थे 75 और हमको रिटर्न 70 हो रहा है, इसका मतलब एग्जैक्ट मैच तो नहीं हुआ, इसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट मैच। देखो अभी एक बार देखते हैं, सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, अभी करके दिखाएंगे, बहुत आसान है, ठीक है। हम तुम्हारे सामने कोई शीट रख दें और बोले कि इस लड़के का नंबर बताओ, जो काम तुम करोगे वही काम यहां करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को लुकअप करना, अच्छा लुकअप के लिए हम डेटा शीट बनाए हुए हैं, वही डेटा शीट यूज कर लेते हैं। इसी टेबल को हम इसको ट्रांसपोज करके ऐसा टेबल बनाएं, ठीक है, ताकि हमको जो लुकअप करना है वो हमको मिल जाए एक रो में और दूसरे रो में उसके करस्पॉन्डिंग हम खोज लें, ठीक है। अब देखो ये एक रो है, रो नंबर 25, जिसमें वो डेटा है जिसको लुकअप करना है हमको, और यहाँ इतने सारे रो हैं जिसका डेटा लुकअप करना हो उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो मान लो कि हम यहाँ पे ये पूरा का पूरा नाम का लिस्ट हम बना लिए, ये नाम सारा का सारा यहाँ रख लिए, और हमको यहाँ पे लुकअप करना है कोई भी चीज, जैसे मान लो हम यहाँ लिखते हैं एच लुकअप, ध्यान देना एच लुकअप किसको लुकअप करना है, तो इस नेम को लुकअप करना है, ठीक है। कहाँ से लुकअप करना है, तो इस डेटा से करना है, ठीक है। तो ध्यान देना एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसको लुकअप कर, जो लुकअप वैल्यू है और जो हमको रिजल्ट मिलने वाला है दोनों इस सिलेक्शन में आना चाहिए, ठीक है। तो हम ये नेम सिलेक्ट कर रहे थे तो ये भी हम ले लिए, और मान लो हम मैक्सिमम ग्रेड तक सर्च कर सकते हैं, यहाँ ये ले लिए, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद लगाओ कॉमा, अब बताओ इसमें से कौन सा रो का हम लुकअप करना चाह रहे हैं, मान लो परसेंटेज देखना चाहते हैं, तो 1 2 3 4 5 छठा रो हो गया, तो हम रो नंबर दे देंगे 6 और हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो एग्जैक्ट मैच कर लिया फॉल्स। एग्जैक्ट मैच कहने का मतलब कि ऋषभ का हम चाह रहे हैं तो ऋषभ का ही मिले, है ना। तो यहां से हो गया मेरा फॉल्स, इसको बंद कर दो, ठीक है। ये चूंकि हमारा फॉर्मेटेड किया गया है और इस पूरे सेल को हम फॉर्मेट कर देंगे तो ये भी मेरा वही परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ पे एक बार देखो, अगर इसको हम ड्रैग करेंगे तो यार नहीं होगा, नहीं होता इसलिए नॉट अवेलेबल एरर मैसेज है। ये क्यों हो रहा है कि जैसे हम ड्रैग करते हैं ना, तो ये मेरा ये रेफरेंस भी ड्रैग हो जाता है, जैसे C25 से शुरू हुआ है तो जैसे ही ड्रैग करेंगे तो यहाँ वाले में C26 हो जाएगा। तो हम लोग नॉर्मली जब एच लुकअप करेंगे ना तो रेंज वाले को लॉक कर देंगे, उसको फिक्स कर देंगे, कैसे करेंगे, डॉलर लगा के एब्सोल्यूट रेफरेंस, इसको फॉर्मेट करके परसेंट कर दो, ठीक है। हम यहां पे पॉइंट के बाद दो अंक रखे हैं, जैसे पॉइंट में आ रहा है यहां वाला, हाँ इसको भी जीरो कर दो तो सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है,
तो हमको ये कैसे किए फीचर एक बार देखो, जिसको खोजना है। अब यहाँ पे अगर देख बात करें तो धीरज को खोजा गया, तो यहाँ पे एच लुकअप वैल्यू है B35 धीरज को खोजा गया इससे, और हम उसके कोरस्पॉन्डिंग धीरज के कोरस्पॉन्डिंग रो नंबर 6 में देखे, ठीक है। यही काम जब हम कॉलम में करेंगे, यहाँ पे करेंगे तब मेरा यही चीज हो जाएगा वर्टिकल लुकअप, भी लुकअप किसको खोजना है, तो हमारा ये रेफरेंस वैल्यू किसको खोजना है, कहाँ से खोजना है, इस पूरे में से खोजना है। कॉलम नंबर कौन सा खोजना है, तो कॉलम नंबर हमको खोजना है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर, और हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए। ठीक है ना, क्लियर हुआ तुम लोग को, कोई दिक्कत? फॉल्स, हाँ फॉल्स डालने का मतलब क्या है कि अगर वो डेटा नहीं मिला तो हमको वो एरर रिटर्न करेगा। जैसे देखो यहाँ पे मान लो हम धीरज को कर रहे हैं, तो धीरज की जगह पे हम देते हैं ये ए जोड़ देते हैं इसमें, ठीक है। तो हमको क्या होगा कि जैसे यहाँ पे धीरजक खोजना शुरू करेंगे हम लोग, तो लुकअप वैल्यू नहीं मिलेगा। मान लो ये शीट तुम्हारे सामने खुला हुआ है और हम तुमसे बोले जाए धीरज का परसेंटेज बताओ, तो तुम ऐसे देखोगे ना, पूरा ऐसे देखोगे धीरज तो नहीं है इसमें, यही काम यहाँ पे यही हुआ। तो ये नाम जैसे ही हम वैसा कुछ नाम देंगे जो नहीं मिलेगा, एरर मिल जाएगा। लेकिन अगर यही अगर हम ट्रू रखे रहते अप्रोक्सीमेट मैच, तो हमको ये एरर नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेट हमको करके दिखा देगा। अभी हम दिखाएंगे अप्रॉक्सीमेट करके, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया वी लुकअप एच लुकअप, ठीक है। एक और है मेरा लुकअप से रिलेटेड, सिर्फ लुकअप। ये जो लुकअप है इसका दो तरह से इस्तेमाल हम करते हैं, एक तो हम लोग करते हैं उसका जो वेक्टर फॉर्म है और दूसरा एरे फॉर्म है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म के लिए बोलते हैं ना कि वेक्टर फॉर्म के लिए बढ़िया है कि आप एच लुकअप या वी लुकअप इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। तो वेक्टर वाला जो फॉर्म है उसमें हम लोग को देखो लुकअप वैल्यू, जिस वैल्यू को लुकअप करना है, और लुकअप वेक्टर वो एरिया पूरा सिलेक्शन करेंगे, और ये फिक्स है। जैसे वहां पे क्या था, वहां पे हमारा सिलेक्ट था कि हम कॉलम नंबर देते थे या रो नंबर हम देते थे। यहाँ पे जो लास्ट जो पहला वाला है वो लुकअप होगा और जो लास्ट वाला होगा वो रिटर्न करेगा, फिक्स हो गया, ठीक है। तो हमको कॉलम नंबर नहीं देना पड़ेगा, हमारे सिलेक्शन का जो लास्ट कॉलम होगा लास्ट रो होगा वही हमको रिटर्न करेगा। तो एक मेरा वो चीज बच जाता है, और ये हो गया तुम्हारा लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर। रिजल्ट वेक्टर मस्ट बी द सेम लेंथ एज द लुकअप वेक्टर, एंड इफ रिजल्ट वेक्टर इज ओमिटेड द रिजल्ट इज रिटर्न फ्रॉम द लुकअप वेक्टर सेल्फ, ठीक है। एरे वाला भी देख लेते हैं, फिर इसको हम लेके चलेंगे तुमको शीट पे। एरे में क्या हो रहा है कि जब हम लुकअप वैल्यू करेंगे और एरे देंगे, तो ये वही काम करेगा जो फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम वाला जो सर्च करेगा, ठीक है। हम लोग एक लुकअप करके देख लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने एक बनाया है, ये एक चार्ट बनाया है कि इसमें 1000 लोअर लिमिट और 1 से 1000 हम लोग याद है हम लोग उसमें कर रहे थे ना, इफ वाले में, इफ फंक्शन का जब किए थे तो हम लोग डिस्काउंट दे रहे थे, वो डिस्काउंट देखो यहाँ कैसे देंगे। 1 से 1000 के बीच खरीदारी के लिए 10% हम लोगों ने रखा है,
और 1000 से 2000 के बीच, 1001 से लेकर 2000 के बीच ये डिस्काउंट है, ठीक है। 2001 से 3000 का डिस्काउंट है और 3000 से ऊपर का डिस्काउंट ये रखा गया है। और ये एक एक सिंपल, ये हम लोग का टोटल बिल अमाउंट है, ये टोटल बिल अमाउंट है। इस बिल अमाउंट पे हमको डिस्काउंट प्रोवाइड करना है बाय फॉलोइंग दिस स्लैब, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे लुकअप वैल्यू हो गया 1500, लुकअप वैल्यू हो गया 1500, और ये हो गया हम लोग का एरे, एरे वेक्टर, ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये एरे वेक्टर हो गया। और हमको दिखता डिस्काउंट कहाँ से चाहिए, हमको ये वाला चाहिए, ये हम लोग को चाहिए डिस्काउंट यहाँ से चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये वाला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लुकअप वैल्यू B12 क्या है, ये 1500, ठीक है। B4 से E4, B4 यहाँ से लेके E4, ये पूरा का पूरा हम लोग का वेक्टर हो गया। इस वेक्टर में से चुनाव कर रहा है हमको कहाँ से कहाँ लेना है, B6 से E6, मतलब ये वाला डिस्काउंट लेना है हम लोग को, B6 से पूरा का पूरा ये रो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, एब्सोल्यूट रेफर, हाँ बता रहे, पहले ये समझ लो फिर उसको बता रहे। अच्छा इसके पिछले वाले में भी जो किए थे एब्सोल्यूट, वहां नहीं समझी, वही बोलना चाहिए ना। देखो जब हम इसको ड्रैग करेंगे, जब हम ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, या तो रिलेटिव या तो होगा ना। तो अगर हम इसको ड्रैग करना चाहते हैं वहां तक है तो ठीक है, जैसे ही ड्रैग करोगे तो सारा का सारा रेफरेंस बढ़ जाएगा, सारा का सारा रेफरेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर हमारा मेरा पूरा का पूरा डेटा B4 से लेके E4 के बीच में है तो हमको ये वाला रेंज तो अच्छा, ये रेंज जो है ये रेंज तो यही ना रहेगा, चाहे वो हम प्रकाश का निकाले, चाहे संतोष का निकाले, चाहे अज्ञान का निकाले, किसी का निकाले, ये रेंज तो वही रहेगा। अगर यहाँ पे वो रेंज दे रहे हैं, यहाँ पे वो रेंज दे रहे हैं B4 से E4, और इसको अगर ट्रैक करेंगे तो नीचे वाले में क्या आ जाएगा, B5 से E5 आ जाएगा, उसके नीचे वाले में आ जाएगा B6 से E6। ये मेरा रेंज कहाँ, जहाँ डेटा है वो रेंज तो मेरा रहेगा नहीं, तो लुकअप कैसे होगा। हाँ बिल्कुल, उसको हम लोग फिक्स कर देते हैं ताकि जब ड्रैग करें आप तो वो फिक्स रहे, वो चेंज नहीं हो, बस इतना ही है, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, देखो बगैर इफ यूज किए हुए हम लोग सबका निकाल दिए किसको कितना डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे देखो समझ में आ गया एब्सोल्यूट, वो वाला ट्रू और फॉल्स वाला 1500 हम लोगों ने दिया है, तो यहाँ पे 1500 खोजना है अब अपर लिमिट में, लोअर लिमिट में, पहले वाला में, क्योंकि हम लोगों ने क्या दिया है, ये पूरा रेंज दिया है। तो पहला रेंज का वैल्यू खोजना है, 1500 है इसमें, बताओ है 1500 नहीं है, तो हम लोग क्या करेगा, 1500 के नीचे, 1500 के लेस देन 1500 वैसा कौन सा वैल्यू है, तो ये 1001 का है, 1001 करस्पॉन्डिंग हमको रो नंबर 3 में चाहिए, तो क्या मिला 15%, तो 15% यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो एग्जैक्ट मैच नहीं होगा तो ठीक इसी तरह से लोअर वैल्यू खोजा जाएगा, ठीक है, ओके। या तो लुकअप वैल्यू, लुकअप हम लोग का खत्म हो गया, और लुकअप के बाद ये एरे वाला था, ये सिंपल था लुकअप वैल्यू और एरे, यहाँ पे सिर्फ हम लोग 2 डायमेंशनल एरे यूज करेंगे, और बिल्कुल वैसे ही होगा कि जो लुकअप वैल्यू करना है जो लुकअप वैल्यू दे दो, और जैसे ही तुम एरे दोगे तो लास्ट कॉलम वो सर्च करके बता देगा एग्जैक्टली जैसे अभी हम लोग किए थे, ठीक है। यहाँ देखो 2 डायमेंशनल एरे और रेंज ऑफ द डेटा कंटेनिंग वैल्यू टू बी सर्च इन द फर्स्ट रो एंड और कॉलम एंड द वैल्यू टू बी रिटर्न फ्रॉम द लास्ट रो और लास्ट कॉलम, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, एक बार तुम लोग इसको एक बार खुद से करके देखोगे तो और कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल के पहले हम लोग बात कर रहे कि टेबल होता क्या है। एक्सेल में टेबल जो होता है और जो वर्ड का जो टेबल था एक जैसा ही है,
टेबल पहले हम सिंपल टेबल समझते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे पिवट टेबल के बारे में। ये डेटा शीट है, ये जैसे यहाँ पे कॉपी किए ना, यहाँ पे इंसर्ट में आए, इंसर्ट में आके टेबल क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा रेंज सिलेक्ट हो गया और ये पूरा का पूरा टेबल बन गया, ठीक है। ये टेबल बन गया मेरा, ये टेबल जो है हमारा स्टैटिक टेबल है, इससे हम कुछ विड्रॉ नहीं, कुछ डेटा हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात ये है, जितना हेडर था सब में हमको एक ड्रॉप डाउन मिल गया, हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मतलब रीजन है, रीजन में से हम अगर इसको सिलेक्ट और खत्म कर दे और सिर्फ सेंट्रल करें, तो हमको सिर्फ सेंट्रल का डेटा मिलेगा, ठीक है। ये डेटा हमको मिल गया। अब यहाँ पे और क्या क्या चीज हमको यहाँ फायदा मिलेगा, यहाँ पे हम इसको बहुत सारा फॉर्मेट हमको मिलेगा टेबल का, प्री डिफाइंड फॉर्मेट। अब उस फॉर्मेट में तो ये जो टेबल का फॉर्मेट है, जैसे बहुत सारा प्री डिफाइंड हमको टेबलेट मिलेगा, जैसे हम इसको और फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो टेबल स्टाइल में इतना सारा जो है ये वाला, यहाँ पे जितना फॉर्मेट तुम देख रहे हो, किसी जिसको क्लिक करेंगे हमको उस तरह का मेरा फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाँ, ये बहुत सारा प्री डिफाइंड फॉर्मेट दिया गया, इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या तो ये तो हो गया सिंपल टेबल हमारा, इसमें कोई डेटा हम अपने हिसाब से इसको फिल्टर नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके बाद आता है, इसी डेटा को अगर हम पिवट टेबल बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। डेटा को सिर्फ पेस्ट करो यहाँ और इंसर्ट टेबल ना क्लिक करके हम पिवट टेबल क्लिक करते हैं, ठीक है। पिवट टेबल क्लिक करने के बाद अगर पिवट टेबल इस डेटा का बनाना है तो न्यू वर्कशीट में चाहिए, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए, हम जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो न्यू वर्कशीट में आ जाओ, तो ये हमारा पिवट टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गया, ये तुम्हारे बहुत काम का है, मैनेजमेंट के लिए बहुत काम का है। अब ये जितना भी हमारा हेडर था वो हेडर यहाँ पे दिख रहा है, हमको करना क्या है, एक बार हम अलग अलग इसको क्लिक करके देखते हैं कि कैसा डेटा हमको रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। ये हमको डेटा आ रहा है इस तरह का, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसको अनचेक करना शुरू करो, तो हम कहते हैं यहाँ पे देखो चार दिया गया है, रिपोर्ट फिल्टर कॉलम लेवल रो लेवल एंड वैल्यूज। यहाँ पे हम लोग अब रो लेवल में क्या क्या चाहिए और कॉलम में क्या क्या चाहिए ये देखो, तो हम लोग रो लेवल में हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले रीजन, ठीक है। सब रीजन ले लिए हम लोग को, तो रो लेवल में आ गया ईस्ट सेंट्रल ईस्ट और वेस्ट, इतना रीजन था। और रीजन के अंदर हम लोग ले लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है। तो किस रीजन में कौन सा रिप्रेजेंटेटिव है उसका आ गया,
और आइटम को हम ले लेते हैं कॉलम में, ठीक है। तो पेन डेस्क पेन सेट पेंसिल और ग्रैंड टोटल इतना सारा था, ठीक है। कौन सा यूनिट कितना बिका इसको ले लो यहाँ पे, सॉरी इसको भी ले लेते हैं कॉलम में, नहीं कॉलम में नहीं लेते हम लोग, यहाँ वैल्यू में लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सेंट्रल का, अच्छा पहले डेटा एक बार देखो तो क्या है। डेटा ऐसा है, ऑर्डर डेट है, रीजन है, हर रीजन का एक रिप्रेजेंटेटिव है, और कौन कौन सा आइटम सेल कर रहा है, उसका कितना यूनिट सेल कर रहा है, और हर यूनिट का यूनिट प्राइस क्या है, और टोटल कितना सेल किया, ठीक है। ये हमारे पास रॉ डेटा है। कितना पीस, नंबर ऑफ आइटम, हाँ ठीक है। जैसे कहने का मतलब कि मान लो कि जो सेंट्रल का गिल है पेंसिल, 7 यूनिट ऑफ पेंसिल 7 पीस पेंसिल का सेल किया, और एक पेंसिल का दाम था 1.29 रुपया, इसके हिसाब से ये हुआ। ये डेटा है हमारे पास, इस डेटा को हम पाइवट टेबल में चेंज कर रहे हैं तो हमको ऐसा डेटा मिल रहा है, ठीक है। और ये डेटा मेरे हिसाब से होगा जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा, ठीक है। यूनिट कॉस्ट चाहिए हमको, यूनिट कॉस्ट भी हम यहाँ पे डाल दो यहाँ, या फिर हम यहाँ डाल देते हैं तो हमको यूनिट कॉस्ट मिल गया। ये सारा का सारा पाइवटिंग है, ठीक है। तो किसी भी बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा को हम अपने हिसाब से, हमारे लिए हमको जैसा डेटा चाहिए हम वैसा डेटाबेस, वैसा टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आ पाइवट टेबल इज अ टूल दैट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दैट हेल्प्स यूजर टू क्विकली व्यू एंड एनालाइज डेटा इन अ मोर विजुअल वे। इट ऑल्सो अलाउ अस टू चेंज द अरेंजमेंट ऑफ डेटा सो दैट इट कैन बी सीन फ्रॉम मल्टीपल परस्पेक्टिव। इट इज एडवांस एक्सेल पाइवट टेबल। पाइवट टेबल्स आर इजी टू मेक एंड वेरी यूजफुल एंड एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर हेल्पफुल एंड इंफॉर्मेटिव। खड़ा हो जाओ, बहुत देर से देख रहे हो तुम, डिस्टर्ब कर रहे हो, खड़ा हो जाओ। A pivot table gathers all the data in Excel spreadsheet or range of the spreadsheet and presents a summary of this data in a table. क्या क्या होगा? This the number of items of each table type, each data type, the sum of the data column broken down into the data types, the average of data columns broken down into the data types. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, पाइवट टेबल क्या किया हम लोग, पूरा का पूरा शीट सेलेक्ट करना है, इंसर्ट में पाइवट टेबल क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे पाइवट टेबल क्लिक करोगे उस समय नीचे में एक चेकबॉक्स आएगा कि माय टेबल हैज अ हेडर। हेडर मतलब जो टॉप कॉलम में जो तुम्हारा नाम लिखा हुआ, रोल नंबर नेम, वो जो है वो हेडर है। जब ऐसा कर देंगे हम लोग तो हेडर को पाइवट टेबल कलेक्ट कर लेगा, और हम कौन सा हेडर कहाँ रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम अपने हिसाब से टेबल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब डेटा फिल्टर। डेटा फिल्टर कैसे होता है एक्सेल में? फिल्टर इन एक्सेल अलाउ अस टू व्यू अ स्पेसिफिक रो इन एक्सेल स्प्रेडशीट व्हाइल हाइडिंग द अदर रोज। अभी हम लोग जब सिंपल टेबल बनाए थे तो देखे थे चेकबॉक्स बन गया था, ड्रॉप डाउन बन गया था, तो ड्रॉप डाउन से हम डेटा फिल्टर कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। So when a Excel filter is added to the header row as a spreadsheet, a drop-down menu appears in each cell of the header row. This provides us with a number of filter options that can be used to specify which rows of the spreadsheet are to be displayed. ठीक है, एक तो हमको समझ में आया कि हम अगर सिंपल टेबल बना दे तो हमारा फिल्टर ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। एक और तरीका है जहां से हम उसको फिल्टर कर सकते हैं। फर्स्ट सेलेक्ट द रेंज ऑफ द सेल और जस्ट सेलेक्ट द हेडर रो और इवन जस्ट सेलेक्ट जस्ट क्लिक द रेंज ऑफ द सेल। एक्सेल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द एंटायर डेटा रेंज। नाउ सेलेक्ट द फिल्टर ऑप्शन फ्रॉम द डेटा टैब एंड एक्सेल रिबन। यहां देखो, करके दिखाते पहले। अच्छा देखो, ये हमारा डेटा है,
मान लो सपोज करो यहाँ पे एक जगह खाली है ना, हेडर रो और डेटा के बिना बाहर निकलो, हाथ बाहर निकलो, अगर खाली है बाहर तब हमको क्या करना है और नहीं है तो क्या करना है। इस कंडीशन में क्या होगा कि हमको पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, हमको पूरा डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा और तब हमको फिल्टर ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था कि सिर्फ हेडर ही ऑन करते हैं हम लोग और फिल्टर ऑन कर देते हैं, और अगर ये नहीं है, कोई रो या कोई कॉलम खाली नहीं है, तो कहीं पे भी कर्सर ये पॉइंटर रख दो और हम यहाँ पे फिल्टर ऑन कर देंगे। डेटा भी जाओ और यहाँ पे जो फनल जैसा जो बना हुआ है ये फिल्टर ऑन कर दो। क्या हो गया कि जितना हेडर था सब हेडर में एक एक ड्रॉप डाउन मेरा लग गया, ठीक है, सब ड्रॉप डाउन मेरा फिल्टर लग गया, ठीक है। मान लो अब हमको रीजन में कौन कौन सा रीजन है, सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट, सिलेक्ट ऑल हटा दो और हम सिर्फ ईस्ट ऑन करते हैं तो हमको सिर्फ ईस्ट का डेटा दिखेगा, ठीक है, बगैर कुछ किए हुए हमको यहीं से फिल्टरेशन मेरा ऑन हो गया, ठीक है। मान लो कि ईस्ट का देखना चाहते हैं और आइटम कौन सा देखना चाहते हैं, तो इतना सारा आइटम है इसमें सिर्फ हम पेन सेट देखना चाहते हैं, ठीक है, तो हमको पता चलेगा कि ईस्ट में पेन सेट कौन कौन कितना कितना बीच बिचा है, पेन सेट, ठीक है, और यहाँ जहां जहां हम फिल्टर लगाए हुए हैं वहां वहां तुमको फनल दिखेगा। फनल मतलब वो जो कीप जैसा जो आता है किरासन तेल डालने वाला, है ना, क्लिक करो और यहां से क्लियर कर दो फिल्टर, फिल्टर क्लियर कर दी, यहां से भी फिल्टर क्लियर कर दो, ये मेरा वापस आ गया, ये हमारा फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर न्यूमेरिक फील्ड है तुम्हारा तो और क्या क्या कर सकते हैं, मान लो हमको यहाँ देखना है टोटल में आओ, और यहाँ पे तो ये तो था तुम्हारा, ये तो था ही, अब यहाँ पे नंबर फिल्टर में आओ, इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर दैन, ग्रेटर दैन इक्वल, ये सब कर सकते हैं हम लोग। मान लो हमको देखना है ग्रेटर दैन, ग्रेटर दैन में हम लिख देते हैं कि 500 से ऊपर वाला हमको दिखाइए, ठीक है, तो 500 से ऊपर का ये आइटम है, तो ये हम क्या बोलते हैं इसको, डेटा फिल्टर इन एक्सेल, ठीक है, डेटा फिल्टरेशन इन एक्सेल, ये और करके दिखाएं, या समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, गुड। ठीक है, डेटा फिल्टर हो गया। इसके बाद है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है, फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है, फॉर्मेटिंग हम लोग फॉर्मेट टूल पढ़े थे ना, फॉन्ट देखो डिसअप में करो, फिर अभी तक हम लाइटली ले रहे हैं, ठीक है, ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, हम रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा। हाँ, तो क्या कह रहे थे, फॉर्मेटिंग टैब में हम लोग दिखा रहे ना, उसका फॉन्ट हो सकता है, फॉन्ट साइज हो सकता है, फॉन्ट स्टाइल हो सकता है, उसका बैकग्राउंड कलर हो सकता है, फॉन्ट कलर हो सकता है, इतना सारा का सारा फॉर्मेटिंग के बारे में हम लोग। ये फॉर्मेटिंग हम किसी कंडीशन के बेसिस पे करना चाहते हैं, कैसे, मान लो तुम रिजल्ट बनाए हो, रिजल्ट बनाए हो और रिजल्ट में हम चाहते हैं कि जो जो फेल वाला था, जो जो फेल वाला है वो पूरा रिकॉर्ड मेरा, वो पूरा रो रेड हो जाए, पूरा एक सेल या पूरा रो, समझ में आ रहा है, और जिसको ग्रेड ए आया है या ज्यादा आया है उसको ग्रीन से हाईलाइट कर दें, ऐसा कर सकते हैं। तो वो जो फॉर्मेटिंग होगा वो किस कंडीशन के बेस पे होगा, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल, किसी सेल को हाईलाइट करना है उसके लिए क्या रूल है, देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल अलाउ अस टू अप्लाई फॉर्मेटिंग टू हाईलाइट सेल्स दैट सेटिस्फाई वन आर मोर स्पेसिफिक कंडीशन, दिस कंडीशन मे बी न्यूमेरिक वैल्यू, और जैसे न्यूमेरिक वैल्यू मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और डेट, अगर हम डेट की बात करें तो डेट में डेट अग्री दिस डेट, और इवेंट टेक्स्ट वैल्यू,
जैसे टेक्स्ट कंटेनिंग सम टेक्स्ट, मतलब हम बता रहे हैं कि ये बोला टेक्स्ट जो है अगर वो कंटेन करता है इंडिया तो उसको ये फॉर्मेटिंग लग जाए। वी कैन ऑल्सो यूज हाईलाइट सेल रूल टू हाईलाइट सेल कंटेनिंग डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। इसमें अगर हाईलाइट, अब यहां पे हाईलाइट का अगर हम बात करें, देखो यहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहां पे है होम टैब पे, इसको क्लिक करते हैं तो मैं हाईलाइट सेल रूल आता है, हाईलाइट सेल रूल पे जाते हैं तो क्या क्या प्री डिफाइंड है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, बिटवीन मतलब ग्रेटर देन सम वैल्यू या लेस देन सम वैल्यू, तो बिटवीन हो गया, बिटवीन इक्वल टू सम वैल्यू के इक्वल टू टेक्स्ट दैट कंटेन सम अदर टेक्स्ट, ठीक है। आ डेट अकरिंग, अगर डेट कोई डेट हम डेट पे अगर हम कंसिडर करना चाहते हैं फॉर्मेटिंग तो वो, और अगर डुप्लीकेट वैल्यू है जैसे बहुत बार सेंट्रल आया है, अगर हम इसको हम डुप्लीकेट वैल्यू को हम करना चाहते हैं तो वो, इतना सारा हमारे पास हाईलाइट सेल रूल है, हाईलाइट सेल रूल मेरे पास ये सारा का सारा है, ठीक है। किसका क्लास अभी देख कितने बजे से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में देखेंगे, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। किसी को पूछना है अभी तक में, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, बाय। ठीक है।